अक्सर मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त निपल्स को काटता है और ज़ख्म कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है और मदर बेबी को प्रॉपर फुल ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं, बेबी भूखा रह जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नूर आलम खान, मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त काटता है वो क्यों काटता है, उसका क्या रीज़न है, और अगर काट लिया उसने और ज़ख्म कर दिया तो हम क्या करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो, और उस कंडीशन में हम किस तरीके से बिना पेन के बेबी को ब्रेस्टफीड करा सकते हैं, और ऐसा क्या करें हम कि आगे बेबी ना काटे और अच्छे से बेबी अटैच होकर ब्रेस्टफीड करे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग की जो मेरी बाकी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सारा जो ब्रेस्ट फीडिंग का कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब आइए बात करते हैं रीज़न की कि क्या वजह है कि बच्चा काटता है। जो सबसे पहला, सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इम्प्रॉपर अटैचमेंट, यानी कि गलत तरीके से बच्चे को अटैच करवाना। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में कि जो मिल्क का सिक्रीशन होता है वो निप्पल्स को प्रेस करने से नहीं होता है, वो सिक्रीशन होता है निप्पल्स के जो पीछे का डार्क कलर का एरियोला होता है, डार्कर पार्ट होता है, वहाँ पर मिल्क का स्टोरेज होता है, वहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, उसके आगे निप्पल्स में सिर्फ नलियाँ होती हैं, सिर्फ डक्ट्स होती हैं जिसमें कि मिल्क नहीं होता। बेबी अगर इम्प्रॉपर अटैच होता है तो वो सिर्फ निप्पल को पकड़ के सक कर रहा होता है और ब्रेस्ट फीड नहीं आता, और ब्रेस्ट मिल्क के ना आने की वजह से बेबी फ्रस्ट्रेट होकर और ज़्यादा तेज़ उसको सक करता है, और तब भी ना आने पर वो फ्रस्ट्रेट होकर उसको काटना स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो रीज़न है वो है बेबी को झटके से हटाना। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है उस वक्त बेबी एक सक्शन, एक वैक्यूम बना के रखता है मदर के साथ, जब हम उसे हटाते हैं, जब मदर उसे दूर करती हैं, ब्रेस्ट को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, उस वक्त बेबी उसको ना छोड़ना चाहता है और ज़ोर से उसको पकड़ के रखता है, फिर भी अगर मदर झटके से हटाती हैं तो बेबी काट लेता है और वहाँ पर ज़ख्म हो जाता है, और कभी कभी तो ज़ख्म इतना गहरा हो जाता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और अब्सेस बन जाता है, और वो अब्सेस अगर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर चला गया तो ब्रेस्ट अब्सेस हो जाता है जिसमें कि सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आइए हम बात करते हैं कि हम क्या ऐसा चीज़ें करें कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त निप्पल को ना काटे। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको अपनाना है वो है आपका प्रॉपर अटैचमेंट। बेबी को हम किस तरीके से अटैच कराएं? अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से अटैच है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे, क्या लक्षण है उसके, कैसे हम जानेंगे बच्चा ब्रेस्ट फीड प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ब्रेस्ट फीडिंग का जो सही तरीका है, प्रॉपर तरीका है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने एनिमेशन की हेल्प लेके, पिक्चर्स की हेल्प लेके आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ देख सकते हैं, या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जो अटैचमेंट का तरीका है, जो अटैचमेंट का मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने उस तरीके से प्रॉपर तरीके से बेबी को अटैच कराया तो आप यकीन मानिए ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी, कभी भी आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करते वक्त नहीं काटेगा और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल पेनलेस होगी, किसी तरह का पेन नहीं होगा, बेबी का पेट भी बहुत अच्छे से भरेगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जिस वक्त आप बेबी को फीड करा चुके हैं या बेबी फीड करते करता सो गया, या आपको बेबी को एक तरफ से हटा कर दूसरी तरफ लगाना है, तो आप बेबी को झटके से ना हटाएं या ताकत लगा के ना हटाएं। उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आपको फॉलो करना है। आपको अपनी एक साफ़ फिंगर बेबी के माउथ के एंगल में डालना है, जो माउथ का एक कोना है यहाँ से आपको बेबी के माउथ में डालना है, और डालने के बाद बेबी ने जो एक वैक्यूम बना रखा है उस वैक्यूम को तोड़ना है आपको, उस वैक्यूम को ख़त्म करना है। उसके बाद बेबी आपके फिंगर को पकड़ लेगा, आप उसको सक करना स्टार्ट कर देगा। उस बीच में आपको अपना जो आंचल है उसको बाहर लेके आना है और बेबी को अपने से अलग करना है। फिर आप अगर बेबी सो गया तो उसे सुला दें, या बेबी अगर भूखा है तो दूसरी तरफ से अटैच करा लें। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपको ज़ख्म हो गया तो आपको क्या तरीका करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको किसी भी तरह की मेडिकल क्रीम या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि बेबी आपका ब्रेस्ट फीड ले रहा होता है तो वो चीज़ें उसके मुँह में जाने का खतरा है और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बच्चे में होने का खतरा है।
आपको करना ये है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड करा चुके हैं तो ब्रेस्ट फीड कराने में लास्ट में जो मिल्क आता है उसे हम हाइंड मिल्क कहते हैं। इस मिल्क को आप जो ज़ख्म है जो जहाँ पर बच्चे ने काटा है उन जख्म पर लगा लें और लगाने के बाद थोड़ी देर हवा में उसे सूखने दें। जब वो सूख जाए तो आप उसे ढक लें। जो आँचल वाला पार्ट है जहाँ से बच्चा फीड लेता है उस जगह को आपको नम नहीं रखना है। उस जगह पे आपको ज़्यादा बार 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 पानी से या साबुन से आपको धोना नहीं है। आप दिन में बस एक बार उसको धो लीजिए या जिस टाइम नहाते हैं उस टाइम आप धो लिए, उसके बाद फिर आपको साबुन या पानी से बार बार उसको वॉश नहीं करना है। वो चीज़ें इन जख्म को और बढ़ाता है। अगर हल्का ज़ख्म है तो उसमें भी आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से आप अटैच कराएंगे तो आप उस कंडीशन में भी फीड कराते वक्त आपको पेन नहीं होगा और आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन अगर ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा है, ज़ख्म अगर इतना है कि आप बिल्कुल भी अटैच नहीं करा पा रहे, तो फिर आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये आप निप्पल शील्ड यूज़ कर सकते हैं। ये निप्पल शील्ड आप जब अटैच कराएंगे तो ये साइड मदर की साइड में अटैच होगा और इस साइड से बच्चा सक करेगा। ये अटैच जब आप करा लेंगे तो फिर क्योंकि बेबी डायरेक्ट सक नहीं कर रहा है तो आपको पेन नहीं होगा। लेकिन इसका यूज़ हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इससे और भी बहुत सारे नुकसान हैं, वो आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी चीज़, आप ये ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेस्ट पंप से आप मिल्क को यहाँ पर कलेक्ट करके और बच्चे को कटोरी चम्मच या पालादाई से आप बच्चों को पिला सकते हैं। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना छोड़ना नहीं है, वरना ब्रेस्ट फीड निगेटिव फीडबैक की वजह से आना बंद हो जाएगा और फिर आप फार्मूला फीड या कवर बफेलो मिल्क पर डिपेंड हो जाएंगे। आपको एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। अगर उन जख्म में आपको कहीं पस दिखता है या आपको अपने आँचल में कहीं पे पस दिखता है, किसी तरह का पस निकलता हुआ दिखता है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया कि पूरे आँचल में आपको पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और प्रॉपर एंटीबायोटिक या जो भी उनका सजेशन हो उसको फॉलो करना है। होप करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी और आपने जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी आपके काम आ सकी। इसके अलावा अगर और कोई डाउट है आपके अंदर और कोई चीज़ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।